तो नमस्कार, देव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की। तीसरा चरण 26 तारीख को वोट गिरना है जनपद जालौन के अंदर। तो जनपद जालौन के ऐसे गांव के अंदर बैठे हैं जिस गांव का नाम है केलरा, हरदुगा और आपको बता दें गुमावली। ये तीनों गाँव को मिला के एक वोटिंग हुआ करती है। तो हर गाँव के अंदर अनेक लोग प्रधान प्रत्याशी की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, अनेक लोग दावेदारी रूप से कर रहे हैं। तो देखा जाए महज 4-5-6 दिन शेष चुनाव के रह चुके हैं। तो हमारे बीच में ऐसे ही प्रत्याशी हरदुआ के निवासी रणजीत सिंह यादव जी चुनावी मैदान में पहली बार आ चुके हैं। आइए, रणजीत सिंह यादव जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और ग्रामीण वासी भी बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार कौन से मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में आए, और ग्रामीण वासियों से भी आपसे मिलवाऊंगा कि आखिरकार गांव वालों का क्या है रुझान, कैसा प्रधान गांव वालों को चाहिए। तो अगली आवाज होगी प्रधान प्रत्याशी रणजीत सिंह यादव जी की। दादाजी नमस्कार। नमस्कार भाई, शुभकामनाएं, बधाई हो कि आप चुनावी मैदान में आए। हमें जनता ने सपोर्ट किया कि गाँव विकास के लिए हम मैदान में आए हैं और हमसे जितनी सेवा बनेगी भरपूर प्रयास से सबका उत्थान करेंगे। अच्छा, हमने सुना कि आपके गांव में हरदुगा, केलरा और गुमावली तीन गांव आते हैं। तीनों गांव में आपने अभी से नहीं, काफी सालों से जनसंपर्क करते आ रहे हो, तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिली आपको? हर काम में जो बाधाएं हैं उनको सुलझाने के लिए जितना प्रयास बनेगा उनको पूरा करेंगे। समस्या क्या क्या देखने को मिलती है आपको? खंजर है, नाली है, जो शेष पड़े हैं उनको पूरा करेंगे। अच्छा रणजीत सिंह भाई साहब जी, एक सवाल और है आपसे, गांव के अंदर कितना आशीर्वाद समर्थन लोग बाग आपको दे रहे हैं? हमारी नगर में तो पूरा सब लोग हमको भरपूर समर्थन। अच्छा ये बताइए, तीनों गांव का अगर आशीर्वाद होता है तो गांव के अंदर पहला विकास क्या कराओगे आप? गांव में जितने पिछले कार्य डले हैं बैक में उनको हम पहले उनको कराएंगे। अच्छा, हमने देखा कि अनेक गांव के अंदर शौचालय आवास सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, क्या आपका रहेगा प्रयास सही लोगों तक? हम अपनी भरपूर मात्रा में उनको पूरा करेंगे। अच्छा, वैसे हम आपसे सवाल करेंगे, और भी गांव में, तीन गांव है, तीनों गांव में आप घूमते होंगे, तो उन गांव के अंदर समस्याएं बोले तो पानी की, जल की, बिजली की, खड़ंजा की, ये समस्याएं गांव में है का नहीं है? नहीं है का नहीं है। तो वास्तविकता ये पूरी हो जाएंगी अगर इन लोगों ने जिता दिया आपको? अगर हमें सहयोग मिला, भगवान ने चाहा, समाज ने, तो हम पूरा अपना प्रयास करके उनको पूरा करेंगे। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, आप बताइए आखिरकार तीनों गांव के अंदर कैसा प्रधान होना चाहिए जो एक फोन लगा और आपकी समस्या का निराकरण हो जाए? जो भी समस्या सामने आए तो उसका तुरंत निस्तारण हो। सही कहा। और जितना जल्दी हो सके स्थानीय, जहां भी जिस जगह पहुंचना है उस पर जल्दी से जल्दी पहुँचे। वैसे किस पर भरोसा कर रहे हो आप इस गाँव के? तीनों गाँव के अंदर हमने देखा कि 5-6 कैंडिडेट पूर्ण रूप से दावेदारी झोंक रहे हैं अच्छी तरह, भरोसा किस पर है आपको? रणजीत सिंह से भरोसा है, पूर्ण भरोसा है कि हमें उम्मीद है कि काफ़ी लगनशील, ईमानदार, हर तरह से इनके दिल और दिमाग में लोगों के प्रति स्नेह प्रेम देख रहे हैं, तो उसी उम्मीद करते हैं कि इनको सफलता मिलना चाहिए। हम बोले कैसा चाहिए प्रधान जी गांव में? प्रधान ऐसा चाहिए कि हमारी जनता को चकून मिले और जितने भी कार्य, नल है, बिजली है, ये परेशानी पड़ जाती है तो हैरान होते हैं, जैसे ऐसे प्रधान चाहिए हमें। हम की पे भरोसा कर रहे हैं? 4-5-6 खड़े जगह में हमने सुनी, चार पांच हुए तो अच्छे प्रधान जो रणजीत सिंह जैसे हैं, इनके लिए भी सब लोग कर रहे, अच्छे आदमी हैं, हमें इनकी सपोर्ट कर। दादा तुम्हारी कह रहा है? हम लगाओ मार हमारे। राम राम दादा। कहाँ नाम तुम्हारा? अच्छा ये बताओ, आपने तो कई देखे मुझे प्रधान हो चाहे जिला पंचायत हो, कहा है जावार बदलाव की जरूरत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बदलाव हो गया। हाँ जी, आपके पिताजी चुनावी मैदान में हैं। जी जी। आप भी गांव में घूमते हो, तीन गांव है, बहुत बड़े बड़े क्षेत्र हैं, क्या मानते हो कितना आशीर्वाद आपके पिताजी को मिल रहा है, आपको कितना सहयोग मिल रहा है गांव वाले से, क्या कहते हैं जब जनसंपर्क? हमारे तीनों गांव से कम हमारे पिताजी को 80% सपोर्ट है, बड़े बूढ़े जो नई युवा पीढ़ी है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और गाँव को विकास को देखते हुए भी लोग बाग इसलिए पिताजी को चुना है, गाँव का भी फुल सपोर्ट है, ऐसे नहीं है बिना जनता के सपोर्ट से कुछ हो, जब जनता का सपोर्ट है तभी पिताजी चुनावी मैदान में खड़े हुए हैं। आइए, अब देखने वाली बात है कि 26 तारीख को तीनों गांव हरदुगा, केलरा और गुमावली, तीनों गांव का कितना आशीर्वाद
रणजीत सिंह यादव जी के ऊपर गांव वाले कर रहे हैं। वास्तव में 2 मई को रिजल्ट आएगा कि आखिरकार कौन सा प्रधान तीनों गांव को सफल बनाने में कौन व्यक्ति काम करा पाएगा प्रधान बनकर। आशीर्वाद देना है गांव वालों को। कैमरामैन आकाश के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, देव न्यूज, झांसी।